नमस्कार, स्वागत करते हैं आईटीटी न्यूज में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दे दिया बड़ा संकेत, इस बात के संकेत कि वह किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं। जातीय जनगणना के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना कराने से इनकार किया था, जिसके बाद में वह इस जातीय जनगणना को कराने के लिए आज तेजस्वी यादव से मुलाकात किए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात बंद कमरों में 45 मिनट तक चली। यह मुलाकात सूत्र बताते हैं और राजनीति एक्सपर्ट बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जातीय जनगणना की बातचीत नहीं हुई होगी। 45 मिनट चले बातचीत, इसके पहले भी चली बातचीतों के अनुसार, आ रही बड़ी रिपोर्ट के अनुसार, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए बहुत बड़ा झटका तैयार कर रही है नई रणनीति, जिसके साथ नीतीश कुमार और RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ जाने के भी संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बिहार के सियासत के एक और नए रुख और अख्तियार होने की चांसेस बन रहे हैं। बिहार के राजनीतिक में जातीय जनगणना का मुद्दा काफी छाया हुआ था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद में उसके बाद में भी कुछ नहीं हो पाया। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद लगातार ऐसी अटकलें थी कि जातीय जनगणना के मुद्दों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मान जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समय के साथ परिवर्तन सब कुछ होता रहा। यहां तक नहीं, नितिन गडकरी ने बिहार के आपको बता दें कि सोन नदी पर बने कोइलवर पुल के उद्घाटन में मुख्यमंत्री के जगह पर उप मुख्यमंत्री का नाम ऐलान किया। उन्होंने साफ तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नाम भूल गए थे। ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नजरअंदाज कर रही है। कल के डेट में हुए इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए आज नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से मुलाकात 5 सालों के बाद में बंद कमरों के अंदर सिर्फ दो नेताओं के अलावा कोई और नेता मौजूद नहीं था, जिससे कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि बिहार में सियासत एक नए सिरे से तैयार होने की रणनीति बनाई जा रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार के लिए नई दिशा देने का एक बार फिर से नया प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, बने रहे आप हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को शेयर कर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।